अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कोई रेमेडी नहीं, एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर कर रही हूँ, फालसे का शरबत और इसकी अफादियत। तो फालसे जो है मौसम गर्मा के आते ही मार्केट में आ जाते हैं, ये फल कुछ दिनों के लिए ही आता है। फालसे का जूस बनाएं या वैसे ही खाएं, ये फल मुंह के टेस्ट को बेहतर बनाने का काम करता है। मगर क्या आपको इसके फवाइद का इल्म है, जिनमें से एक हीट स्ट्रोक से बचाव भी है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को देख लेना। फालसा किसी सुपर फूड से कम नहीं है। फालसे के तिबी फवाइद पर बात करते हैं। फालसे का जूस निज़ाम हाजमा के लिए भी बेहतर है। फालसा न सिर्फ निज़ाम हाजमा के अफ़आल को कंट्रोल करता है, बल्कि ये जिस्म को ठंडक पहुंचाने के साथ साथ जिस्म में पानी की कमी को भी दूर करता है। कुछ माहिरीन के मुताबिक फालसे का जूस पेट दर्द के लिए भी अक्सर है। जूस में 3 ग्राम अजवाइन मिलाएं और थोड़ा सा गर्म करके पिएं। फालसे के बारे में कहा जाता है कि ये वर्म में भी कमी लाता है, जो इसे दिल की सेहत के लिए भी मुफीद बनाता है। चुटकी भर नमक और काली मिर्च को 50 ml जूस में मिलाएं और दिन में एक बार पिएं। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर एक फल है, जिसमें कैंसर के ख़तरे को कम करने की सलाहियत मौजूद है। निज़ाम तनफ्फुस के मसाइल पर काबू पाने में भी मदद देता है। फालसे के शरबत से दमा, नज़ला, ज़ुकाम और सांस लेने के बीमारियां, इन सब पर काबू पाया जा सकता है। बस फालसे के जूस में अदरक और नींबू के रस का इजाफा करें और पी लें। ये नन्ना सा फल मसल्स बनाने में भी मदद करता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम और प्रोटीन वाफर मिकदार में मौजूद होता है, जो के पट्ठों के अफ़ाल को भी दुरुस्त करता है। फालसे खाने की आदत जिस्म को तवानाई फराहम करती है और इसका शरबत भी कैल्शियम से भरपूर होता है, जिसकी वजह से हड्डियां मजबूत होती हैं। तो जी गाइस, ये थी आज की रेमेडी नहीं रेसिपी, जो कि मैंने आपको बताई है। बहुत ही मुफीद मालूमात हैं ये, और ये आपके काम आने वाली हैं। और फालसे का ये शरबत आप पिलाएं अपनी फैमिली मेंबर्स को और ख़ूब तारीफ़ पाएं। ये जायके के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी है और इसके तमाम फवाइद मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें आप काला नमक शामिल करें 1/2 टीस्पून, और ये जग भर कर मैंने बनाया है। और इसमें शुगर ज़्यादा डालनी चाहिए, चीनी, क्योंकि ये बहुत ही खट्टा होता है। और यहाँ पर देखिए, मैं इसमें बर्फ़ के क्यूब्स डाल रही हूँ और इसको मैं इस तरह से सर्व करूँगी। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और चलें अगले वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।